ऐसा अद्भुत जेल मैंने कभी नहीं देखा। यह आदमी और लड़कियां वास्तव में एक ही छत के नीचे एक साथ खाते और रहते हैं, और यहां तक बाथरूम भी साझा किया जाता है। और इस जेल में औरत और आदमी एक समान है। ऐसी जेल को इंसानों का जन्नत होना चाहिए था, लेकिन वो भागने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन एक आदमी को अभी 2 दिन पहले यहाँ लाया गया है, और उसके सुंदर चेहरे ने तुरंत जे का ध्यान खींचा। तभी एक पुलिस ने चाबुक लिया और उसे अपने पास खींच लिया। महिला बहुत डर जाती है और बैठ जाती है, और दया की भीख मांगती है कि उसे जाने दिया जाए। लेकिन पुलिस के आदमी की रुकने की योजना नहीं थी, लेकिन उसके पीछे खड़ा पुरुष नायक पुलिस से कुछ कहता है, जिसे सुनकर पुलिस वाला डर जाता है। लेकिन उस आदमी को इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी। उसे कड़ी धूप में लोहे के पिंजरे में भार उठाकर बंद कर दिया जाता है, और लगातार उसके सिर के ऊपर भार को बढ़ाया जाता है, और यदि वो उसे नहीं उठा सकता तो उसे उसी भार के साथ कुचल दिया जाएगा। यहाँ की पुलिस बहुत क्रूर है, और वो नहीं जानते कि कैदियों पर दया कैसे की जाती है, और अक्सर वो खुद को संतुष्ट करने के लिए कैदियों को बेरहमी से मारते हैं। सभी कैदी कड़ी निगरानी में घिरा हुए हैं, और उन पर लगातार बंदूकों से नजर रखी जाती है। अगर उन्होंने भागने की कोशिश की तो उन्हें मार दिया जाएगा। हर हफ्ते उनके पास एक मजेदार खेल होता है, जिसमें एक कैदी बंधा हुआ होता है पेट्रोल से भरी 2 गेंदों के साथ, और जेल जे नायक उसको लात मारते हैं और उसका अपमान करते हैं, और अगर नायक खुद को बचा नहीं पाता है तो उसे लातों से और ज्यादा मारा जाता है और अपमानित किया जाता है, और उसके थक जाने पर वो रुक जाते हैं, और अंत में और उसके मरने का समय आ जाता है। यह सैनिक वाकई क्रूर हैं। फिर वो कैदी को बीच में फेंक देते हैं और उसके आसपास आग लगा देते हैं, और अंत में एक धमाका होता है और कैदी को मार दिया जाता है। लेकिन नई कैदी अभी तक यहाँ के जीवन के अनुकूल नहीं हुई है, और सबके सो जाने के बाद वो नहाने जाती है, और वो बाथरूम में शॉवर लेती है, और उसका पुरुष साथी दरवाजे के बाहर उसका इंतजार करता है। लेकिन उसी समय जेल का दरवाजा खुलता है और जेल कोठरी में आ जाता है, और कैदी की बिना कोई बात सुने उसका मुंह पकड़कर उसे कैद कर लिया जाता है, और उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। अब से कुछ दिन बाद मासिक बैटल रॉयल प्रतियोगिता है। जेलर इस खेल में भाग लेने के लिए 5 कैदियों को चुनता है, और उनको भाग लेने के लिए मजबूर करता है। अगर वो जीवित बच जाते हैं तो उन्हें बरी किया जा सकता है, और नायक और नायिका बहुत भाग्यशाली हैं। उन्हें इस खेल को खेलने का मौका मिलता है, और खेल शुरू होते ही वो बेताब होकर जंगल की ओर भागते हैं। वो जितनी दूर दौड़ते हैं उनके बचने की उम्मीद उतनी ही अधिक होती है। इस बीच शिकारी अपना हथियार उठाता है। हथियार जितना शक्तिशाली होता है वो उसे उतना ही अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि यह खेल को मजेदार बनाता है, और इसलिए वो हथियार को चलाकर देखते हैं और शिकार के लिए चल पड़ते हैं, और उन्हें ढूंढने के लिए चारों ओर देखते हैं। लेकिन हुआंग माओ पहला कैदी है जिसे सबसे पहले ढूंढ लिया जाता है, और उसे गोली मारकर गिरा दिया जाता है, और वो अब चल नहीं सकता, और उसे पकड़ लिया जाता है। लेकिन बचने के लिए वो पुलिस पर हमला करता है, लेकिन वो शक्तिशाली है और उस कैदी को पकड़ लिया जाता है। इससे वो बहुत डर जाता है और उसके पैर का अंगूठा तोड़ दिया जाता है। उसके बाद उस कैदी को उठाकर उसकी पीठ तोड़ दी जाती है, और यह सब देखकर जेल बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ पुरुष नायक बेताब होकर नदी के तल की ओर भागता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि काफी समय से उस पर नजर रखी गई थी और उस पर गोली चलाई जाती है। सौभाग्य से गोली उसे नहीं लगती और वो नदी में कूद जाता है, और नदी में कूदने के बाद वो दिखाई नहीं देता। हथियारों के बिना इन परिस्थितियों में जीना बहुत मुश्किल है। यह आदमी कुछ महसूस करता है और वो एक पेड़ पर चढ़ जाता है और छिप जाता है, और शिकारी के यहाँ आने तक प्रतीक्षा करता है। फिर वो एक सैनिक के पीछे हमला करता है और बंदूक छीन लेता है, और सिपाहियों की गाड़ी को निशाना बनाता है। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसे सैनिकों और उस महिला द्वारा घेर लिया जाता है, और उस पर गोली चलाई जाती है, और वो गिर जाता है। लेकिन इस महिला के पास एक विस्फोटक धनुष बाण है। यह महिला अराजकता का फायदा उठाती है और घास में छिप जाती है, और मौका देखकर कैदी को तीर मारती है। लेकिन वो हर बाण उस स्थान पर मारती है जहां वह नहीं मारेगा, और केवल उसे दर्द महसूस होगा। तीर लागने से कैदी को बहुत दर्द होता है। दूसरी तरफ महिला इधर उधर भागती है और खड्ड में छुप जाती है, लेकिन जल्द ही गंजे सिर और सफेद बालों वाला आदमी उसका पीछा करता है। लेकिन जीवित रहने के लिए वो केवल दौड़ना जारी रख सकती है। लेकिन ये आदमी जब भाग रहा होता है तो एक पुरुष द्वारा उस पर हमला किया जाता है, और उसे जोर से लात मारी जाती है, और उसे जोर से पकड़ा जाता है, और उसकी तरफ तेजी से एक ट्रेन लाई जाती है। लेकिन कैदी एक लकड़ी का टुकड़ा तोड़ता है और उस ताकतवर आदमी पर हमला करता है और भाग जाता है। लेकिन दूसरा आदमी उस फोरलिफ्ट को धीमा नहीं कर सका और वो उस ताकतवर आदमी से टकरा गया। नायिका पूरे रास्ते दौड़ती रही और घने घास में छिप गई। नायिका को बाहर निकालने के लिए मजबूर करने के लिए गांजा आदमी उसे घास में आग लगा देता है, और सफेद बाल वाला आदमी पीछे से जाता है और नायिका से टकरा जाता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण क्षण में पुरुष नायक समय पर आता है और सफेद बालों वाले आदमी को निशाना बनाता है और उसे गोली मार देता है, और सफेद बालों वाला आदमी आग में जलकर मर जाता है, और दोनों पुरुष और महिला जंगल के रास्ते से भागने लगते हैं। लेकिन उन्हें पता लगता है कि जेल वास्तव में एक द्वीप पर है,
इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या करते हैं। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन गंजे आदमी के खिलाफ लड़ने का एकमात्र तरीका है। वो गंजे आदमी को मार्शल आर्ट करने के लिए मजबूर करता है और उसके साथ लड़ने लगता है, और वो अपने हथियार नीचे रखता है और पुरुष नायक से लड़ने लगता है, और वो उस गंजे आदमी को उठाकर गिरा देता है। लेकिन लड़ाई फिर जारी रहती है और वो दोनों पानी में गिर जाते हैं, लेकिन सौभाग्य से नायक पानी से एक पत्थर उठाता है और गंजे आदमी के सिर पर मारकर उसे गिरा देता है। इससे गंजे आदमी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बंदूक निकालता है और उस कैदी पर निशाना लगता है, लेकिन वह चूक जाता है और वो कैदी उसका चाकू उठा लेता है, और इस समय का फायदा उठाकर नायिका गंजे पीछे आती है और चाकू से उसका हाथ काट देती है। लेकिन भागने के रास्ते में नायक और नायिका फिर से फोरलिफ्ट से मिलते हैं और उन पर बंदूक से हमला किया जाता है। लेकिन उसी समय महिला फोरलिफ्ट को अपनी ओर आकर्षित करती है और पुरुष उसकी पीठ में छुरा घोंप देता है और वह भाग जाते हैं, और वो उस क्रेन को लेकर कैंप में जाते हैं और अन्य कैदियों को बचाने के लिए फोरलिफ्ट से सब सैनिकों को मारते हैं, और हरकत सुनकर कैदी भाग निकलते हैं और हथियार उठाकर सबसे लड़ने लगते हैं। कुछ देर के लिए सभी कैदी एक साथ मिल जाते हैं और चारों ओर गोलियां चलाते हैं। फिर एक भयंकर युद्ध के बाद रखवाली करने वाली जेल का सफाया कर दिया जाता है, लेकिन जैसे ही वो जाने वाले थे, जेल अपने साथियों के साथ वापस आता है, लेकिन नायक और नायिका लड़ते रहते हैं और वो चीफ और सभी जेलों का सफाया करने में कामयाब रहे और फरार हो जाते हैं और एक दूसरे को देखते हैं, और नायक और नायिका द्वीप पर ही रहते हैं।